तो ये सारी समस्याएं हैं आप लोगों की। अच्छा, जितनी आबादी सबको आदिवासियों की। हम कई गांव में गए हैं, हमारे साथी प्रधान जी भी हैं यहाँ की और प्रियंका जी, और सोशल एक्टिविस्ट इस क्षेत्र की, आप इनको जानती होंगी, जानती हैं इनको, ये आती रहती हैं आप लोगों के बीच में, काम करती हैं। तो देखिए, लकड़ी की बात है कि लकड़ी ही आप लोगों का समझ लीजिए कि ही एक कार्य है, जो लकड़ी बेचकर जंगलों से काट कर आप जाती हो, उसको बेचती, उसी जो पैसा मिल जाता है वही एक रोजगार का जरिया है, इसके अलावा कोई नहीं। देश पर देश चलेंगे तो हम, बाकी जो है पलायन कर जाते हैं लोग, बाहर चले जाते हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ने या स्कूल है। ये बच्चे जो है रोज जाते हैं पढ़ने के लिए? रोज जाते हैं। अच्छा, शौचालय वगैरह है यहाँ पे? अच्छा, कुछ है बस, ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। अच्छा, अस्पताल है? सुनिए, एक एक करके अपनी अपने बात रखे। यहाँ पे अस्पताल है आसपास? बाजार में, मार्केट में, यहाँ नहीं है। अच्छा, एक कितने अस्पताल होंगे यहाँ पे? अब मार्केट में न जाने कितने अस्पताल है, सरकारी एक ही अस्पताल है यहाँ पे। अच्छा, तो अच्छा, नल वगैरह यहाँ पे हैंड पाइप बम्बा बोलते ना उसको, नल तो बहुत है, पानी किसी में नहीं, नल बहुत है, पानी किसी में नहीं है। और अच्छा, कुएं वगैरह इधर है? कुआं तालाब जो बनाए जाते हैं उसमें पानी इकट्ठा करने के लिए? कुआं तो गांव है, उसमें पानी नहीं है। पानी नहीं है गांव में, तो जो ये नेता आते हैं आप इनसे पूछती नहीं कि भैया हमारी समस्याएं पूरी करो? नहीं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है ना कि नेता आते हैं तो शायद जो यहाँ का जो मजबूत आदमी उसको खूब सारा पैसा दे जाते हो, 500-300 रुपए बढ़ जाते हो, वो जीत जाता हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पानी हो, ऐसा होता है ना, पानी हो तो यहाँ राजा ना मनाएगा। तो आप बताइए, ऐसा अगर ऐसा होगा ना कि नेता आया, उसने पैसा फेंको, तमाशा देखो, अब तुम्हें तो आपकी समस्या की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, आप लड़ती रहेंगी, प्रधान जी लड़ते रहेंगे, तो समस्या का हल तो कभी नहीं होना है ना। जब खुद ही ना चाहो तो बहाने हजार हैं। आप अपने कीमती वोट ही जब बेच देती हो तो बात ही खत्म ना, आपकी लड़ाई कैसे लड़ पाएंगी, आपकी समस्या का निदान कैसे होगा? तो सबसे पहले तो हम अपने बीच का, जैसे ये प्रधान जी आपने चुना है, तो अभी हमारी इनसे बात हो रही थी, ये भी काम करना चाहती है, काम करना चाहती, तो आपके बीच की ये सबसे बड़ी बात है कि हम आपको सलाम करते हैं कि आप महिलाओं ने अपने बीच की महिला को आगे बढ़ाया है। आपने यहाँ पे जो महिला को आगे अपना सरपंच चुना है, ये बहुत खुशी की बात है, और ये कोशिश रहेगी कि लगातार हम आपके संपर्क में रहें। जानी मानी एक्टिविस्ट हैं ये भी आपके बीच में हैं, प्रधान जी हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं, तो हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती यही है कि ये जो नेता पैसा देकर जेब में डाल करके वोट ले लेते, बहुत कीमती चीज है ले लेते हैं आपसे, आप उसकी कीमत नहीं समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि ये बहुत मामूली चीज है, कागज का टुकड़ा, जैसे वो होता नहीं को कागज का टुकड़ा हो और आप पढ़े लिखे ना हो, वो प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी कागज हो आपके जमीन के, और कोई आदमी आए वो कागज ले ले 150-200 रुपए दे करके, तो उसने इतनी बड़ी चीज कई बीघा, बाद में जब आपकी आंख खुलेंगी तो आपने कहा यार मेरी 50-20 बीघे की जमीन थी और ये ले गया और हमको 500-1000 रुपए पकड़ा गया, तो ये अकलमंदी की बात नहीं है ना। तो सबसे पहले हम उस नेता को चुने
जो हमारा कार्य करे। और ये आप समझ लीजिए, चाहे गांव का सरपंच हो, अस्पताल का डॉक्टर हो, कोतवाली का दरोगा हो, हाँ, ये सारे के सारे आपके नौकर हैं, ये सारे के सारे आपके नौकर हैं, आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकारी मलाई जा साहे बाबा गौ का हो जा। आपकी आवाज जितनी धीरे होगी उनकी आवाज उतनी तेज होगी, आप जितना झुकोगी वो उतना झुकाएंगे, और आप जितना चढ़ के बोलेंगी, और अपने हक हक यहाँ पे मांगने से मिलता नहीं है, छीना जाता है हक को। ये पब्लिक सर्वेंट है, ये सेवक है आपके, इनको सरकार ने आपके लिए भेजा है, आपकी सेवा में लगाया है। अरे तुम बानी भाले सरकार है, चाहे वो नेता हो, चाहे थाने का दरोगा हो, चाहे अस्पताल का डॉक्टर हो, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, इन सब से अपने आप काम आप पूछिए ना, आप पूछने सवाल करने वाले बन जाओ, आप सवाल करने वाले नहीं बन रहे हो, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। इस समाज को, ये आपकी कोल समाज है, इसको इसीलिए मुख्यधारा से किनारे रखा गया, डेवलपमेंट नहीं है, आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी जो है आपके अच्छी व्यवस्था आपके लिए नहीं है, अस्पताल वगैरह अच्छे नहीं है, अस्पताल है भी तो डॉक्टर नहीं है, हैंड पाइप है लेकिन पानी नहीं है। यहाँ अभी बाहर समस्याएं बता रही थी कि शादी के लिए अलग से पैसा दे करके पानी, इतनी किल्लत, तो ये जीवन बहुत संघर्षमयी है, बहुत जबरदस्त आप लोग संघर्ष कर रही हैं, आपके संघर्ष को सलाम है, लेकिन आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि सरकारी सर्वेंट जो है, मैं कह रहा हूँ बार बार यहाँ पे, जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हो या जिला पंचायत सदस्य हो आपके, हाँ, बीडीसी डीडीसी सरपंच जी हैं, ग्राम प्रधान हैं, हाँ, और कोई अधिकारी है, वो जब आप आपकी बात ना माने तो आप उसकी शिकायत ऊपर तक कीजिए, शिकायत करिए तो फिर नहीं तो इतना करना पड़ेगा। देखिए आपको अपने हक को पाने के लिए आवाज को उठाना होगा और मिलजुल कर काम करना होगा, तो गल्ला कोई नहीं देगा, ये नहीं दिलवा सकती है, ये नहीं दिलवा सकती ना, ये आपकी बात वहाँ कर सकती है, लेकिन आप कमजोर हो जाओगी तो ये नहीं, इनकी आवाज में कम से कम आवाज तो आप मिला सकती हूँ, पता चले ये आपका झंडा लिए हम आपका आपके आपके लिए काम करने जा रहे हैं, और पता चले कि हम चले हैं लेकर के, पीछे देखा पूरी गायब सब, हम अकेले खड़े, जैसे बोलते हैं अकेले झंडा बर्बाद और गवाह चुस्त, तो यही वाला मामला है कि आप आपका अपना काम है, आप कमजोर हो, आप कह रही यार हम काहे बोलन, तो ऐसे काम नहीं होना है, आपको अपनी आवाज को उठानी होगी, कोई आसमान से नहीं आकर आपकी मदद करेगा, आपको अपने समाज को, और आप जो आप प्रधान हैं, आप भी कोल समाज से हैं, कोल आदिवासी समाज से हैं, आपको भी अपने समाज की आवाज को उठाना होगा, सरपंच इन्होंने बनाया है, ग्राम प्रधान बनाया है, तो उसकी लाज रखनी है, अपने समाज को इज्जत दिलानी है, ठीक है ना। एक बात सत्ता बहुत आती है ना, अगर कोई दलित समाज से या आदिवासी समाज से बन भी जाते हैं प्रधान, बहुत से प्रधान है आदिवासी, लेकिन उनकी आवाज नहीं पहुंचती है, मतलब उनको दबाया जाता है, दबा दिया, ब्लॉक के अंदर अगर है तो जो उच्च जाति के प्रधान है वो जो भी स्कीमें आएंगी वो अपने गाँव खींच के ले जाएंगे, इनके लिए भी नहीं पाती है। अच्छा, जो समाज का जिसे कहते हैं ऊंची बिरादरियां, हाँ, तो ये आप लोगों को दबाव डालती हैं, काम नहीं करने देती हैं सही से, ऐसा कुछ है, ऐसा भी होता है, कई गांव में हमने दौरा किया तो वहां पे पानी की कमी थी, तो वो लोग जो है दूसरी बिरादरियों में जाते हैं जो संपन्न लोग हैं, तो वो बताते हैं कि अगर हमको एक बाल्टी भी पानी चाहिए होता है तो उसका अपने जानवर का गोबर उठवाना, सफाई करवाना, ये सारा काम करवाते हैं, ऐसा भी कुछ है। हाँ, पानी
यहाँ पे है ही नहीं ना, यहाँ पानी है ही नहीं इतनी ऊंचाई पे, यहाँ पे आने जाते हैं। अच्छा यहाँ ज्यादातर कोली ही है। अच्छा इस विधानसभा में ज्यादातर कौन नंबर एक पे विराजती? ब्राह्मण पटेल नंबर एक पे पटेल है, नंबर दो पे ब्राह्मण, नंबर तीन पर निशान है शायद, ऐसे ही कुछ जाटो ना, जाटो निशान वही सब आ जाता है। जय निशान तो इसमें दलित तो आता है ना, एससी में, ओबीसी में नहीं है कोई जाति, वो भी कम होना है। और बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए जरूर भेजिए, बच्चों को देखिए वो पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाइए जरूर। 100 अनपढ़ों पे एक पढ़ा लिखा भारी होता है, 100 अनपढ़ हो उस पे एक पढ़ा लिखा हो वो उसको सलाम करेंगे। ये कलम की ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है, ये हाथों में हम बहुत बलशाली हैं, ये ताकत का मतलब नहीं है, कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। जब ये जाती हैं, ये एक्टिविस्ट पत्रकार हैं, लोगों के बीच में चली जाती हैं, बात करती हैं, क्यों? इनके पास कलम की ताकत है। अधिकारी डरता है, सब डरता है, हम लोग हैं, हम लोग जाते हैं, हम बात करते हैं, आपकी समस्याएं यहां से आपकी समस्याएं सुनते हैं, आगे तक उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो एक पढ़ा लिखा 100 अनपढ़ों पर भारी है, और 100 अनपढ़ों को एक पढ़े लिखे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक पढ़े लिखे को 100 अनपढ़ नहीं, 200 अनपढ़ों की कोई जरूरत नहीं। आप लोग इतने दिनों से संघर्ष तो कर ही रही है ना, और आप अपने पेट के लिए ही जूझ रही है अभी तक, तो उसी के साथ साथ अपने बच्चों को भी किसी तरह पढ़ाइए, स्कूल की सुविधा तो है ही आपके यहाँ, जाते हैं सरकारी जाते हैं मास्टर और कुछ यही मैं आवती है स्कूल में, का होय पढ़े लिखे बस खुद के दीदी का होय पढ़े लेने आते हैं वहां से स्कूल से, वो जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। हां नहीं देखिए जागरूकता नहीं है, प्रधान जी से बात हुई हमारी, जागरूकता नहीं है। जब स्कूल खुले हैं पहले से ये चल रहा है कि वो बच्चों के लिए खाने पीने का भी वो करते हैं ना, ड्रेस भी फ्री दिए सब कुछ है, आप पढ़ने के लिए तो भेजो, आप ये सोच रही हो कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, अरे ट्रेन का टीटी रोकेगा तो उसको जवाब तो मिल जाएगा, थानेदार आएगा आपके बच्चे को फर्जी मुकदमे में पकड़ के ले जाने लगेगा, पूछोगे तो किस लिए पकड़ के ले जा रहे हो, डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं है और इमरजेंसी में आप ले गए हो, आप पूछोगे तो कि भैया कम जो कंपाउंडर है वो जो है नर्स जो इंजेक्शन लगा रही डॉक्टर साहब कहाँ है। जब ये है जब आप उससे बात करने की क्षमता पैदा होती है, बात पढ़ने लिखने से बात करने की क्षमता पैदा होती है, आप अपने बात को अच्छे से रख सकते हो कि तब वो अधिकारी भी डरेगा, प्रधान सेवक भी डरेगा, नेता भी डरेगा, एक सब समाज एक पढ़ा लिखा समाज जो होता है, ये सारे के सारे अपने नौकर बन के रहते हैं, और एक अनपढ़ जो समाज होता है वो इनके ऊपर ऐसे ही राज करता है जैसे यहाँ स्थानीय अधिकारी और नेता आपके ऊपर राज करते हैं। तो नहीं दिया था तो माँ भाई कहा ऐसा है कि जब यहाँ सब कुछ मिलता है सेहत को तो कह लिए मिलता है क्यों वहाँ हम ना जाएंगे बाहर, तुम ही दवाई करोगे ना, जब पता है तो पेट दूध के बोतल चढ़ाए तो काल वगैरह हाँ तो हड़काओ थे हम समझ रहे हैं, यही था हम हमारे बहू का पेट बिगड़ गया है तो डॉक्टर हिया न सुने सरकार में, अब न सुने अब जही के लगे जाए जैसे अब तुम डॉक्टर तीन जने तब तुम्हारे लगे जाए थे कि भैया ऐसे परेशानी जल्दी करो तो वो कह दे जाओ उसके लगे जाओ, वो के लगे गा वह कहते कि जाओ उसके लगे जाओ, हाँ वह कहते जाओ सोनी पुल लग जाओ, अब हम लाई था जाए पे जाए तुम कहा जाए ना लग जाए,
अब ना सुना है तब कहन कहा बताते यही तो हम सात पुता हूँ यही तो बैठ रहे से कम का अब माँ लड़का दो तीन जगह गा जब ना सुने तो माँ लड़का ठाड़ी ठाड़ू जाऊ नहीं लिखा रहा था एवं माँ ना माँ तो लिखे माँ लड़का दौड़ा तब वो करके बाँच के हुआ लखनऊ जहाँ सबसे वो बैठा था तो हुआ का लगा दी अब जब हुआ से फून आवा डांग डारन के लागे तो अब हम बोगे तो रहे हम कहा जाने तब माँ लड़का वहाँ चल गया था आओ दौड़े दौड़े कहते कि क्यों क्यों कैसे लगा रहा अरे जल्दी आओ हमारी तो मैया चुट जाएगी जल्दी आओ खूब कहा अपन ही अपन अरे उसी बुलाओ अब वहाँ से एक कहा था जी साहेब जी साहेब जी साहेब अब वहाँ से बड़ा साहब बोला था जी साहेब तो सब पूछ रही थी मैं लड़का से कहाँ के रान कैसे हट के कहा ना है मेरा सीताराम ना कल तुम मेहर का पूरे तक कह रहे इसमें कह ऐसे ऐसी मुसीबत थी कोई सुन नहीं रहा है अब वहाँ से डांडा ढारी ना गिर गिर पांच छह जाने आगे डांग अब हमें का कहा थे तुम्हें लगाओ तुम्हें लगा तो मैं कह रहे भैया ना हम पढ़े ना लिखे हम का लगा दे अब वहाँ लड़का दूर मोरे हमारे पाछे ठाड़ चुप अब उनका सुना अब यही था ना जब सब वक़ा दाए तो कहते कि लेते कि ये लड़के लगाए फिर अपने से वह आई गाड़ी आए फिर जाओ करें जा फिर हुआ गायन सो ए हुआ सोनीपुर गए सोनीपुर से फिर हुआ जानकी कौन इन तन का तो लिखे पढ़े बालन का से नहीं चूती अपन अपा हमें तुम्हें हाँ वही हम कह रहे हैं कि मतलब पढ़ाई लिखाई इसीलिए जरूरी है कि पढ़ा लिखा होगा तो जवाब तो दे लेगा पूछेगा सवाल तो करेगा खूब रांधे गिर गिर पा रहे हैं खूब कहा ले कहा कि जल्दी करो जल्दी करो कहा कि खूब जाऊ ना कहा करता हूँ।